सो ही गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दिस इज़ द वीडियो जो कि मेरा जो टैग स्कूल हम लोग को कुछ दिन के लिए टैग किया गया था आफ्टर डाइट ट्रेनिंग। तो आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा जिसमें मैं डाइट की ट्रेनिंग का जर्निंग आप लोग के साथ शेयर किया है। एंड देन उसके बाद हम लोग को सभी स्टूडेंट्स को सभी एस्पायरेंट और सभी टीचर्स को किसी किसी स्कूल के साथ टैग किया था। तो मुझे इस स्कूल के साथ टैग किया गया था एंड दिस वॉज द होल एक्सपीरियंस एट दिस टैग स्कूल। यहाँ पे मतलब अभी सुबह आप देखिए मतलब कितने अच्छे से बच्चे असेंबली होता है एंड देन बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड वे में था। क्लास 1, 2, 3 की क्लासेस बहुत ही अच्छे से सजाई हुई थी। लाइक यू कैन क्लियरली सी कि कितने अच्छे से हमारा सोलर सिस्टम बनाया हुआ है, इवन हमारा हार्ट बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से रियल लाइफ जो हम लोग मे भी हो सकता है ये बच्चे 7th 8th में जाएंगे तब जाके ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि हाँ ये देखो ये दिल का हार्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है या बेसिक जो भी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है थ्रू व्यूज़ और थ्रू डायग्राम्स के थ्रू बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए काफ़ी अच्छे से इनोवेटिव तरीके से क्लास को डेकोरेट किया हुआ था ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 1, 2, 3 के बच्चे हैं। तो वो अपना अपना कैसे पढ़ रहे थे, हम लोग ये लंच टाइम में गए थे तो इसलिए थोड़ा सा मैसी है, बच्चे लोग इधर उधर अपने आराम से बैठे हुए थे। एंड इसके बाद हम लोगों ने फिर क्लासेस ख़त्म होने के बाद जो है थोड़ा सा गेम पीरियड या मतलब स्कूल बंद होने से पहले थोड़ा सा बच्चों को एक फ्री टाइम दिया जाता है जिसमें थोड़ा सा खेल सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली उस टाइम दक्ष क्लासेस भी चलती हैं तो जो फ्री बच्चे होते हैं वो सारे खेलते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग खेले थे तो यहाँ पे बच्चे कुछ बोलते हैं मैम बैडमिंटन खेलिए हमारे साथ। तो वही मैं आप लोग के साथ देख सकते हैं कि मतलब मैं स्टूडेंट्स के साथ बैडमिंटन खेल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक दिन खो खो भी खिलवाया था। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन का वीडियो है, जितने भी दिन मैं गई थी वहाँ पर तो समवॉट सब मिला करके मैं वहाँ पर मतलब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऐसा ऐसा जो हुआ था। छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो सभी एक ही वीडियो में आप लोग के लिए मैंने ऐड कर दिया सो दैट कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे प्रॉपरली क्या मतलब मेरा टाइम स्पेंड कैसे हुआ। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक 7 to 8 days का ही मतलब गए थे हम लोग एंड विद इन दैट शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन बच्चे बहुत अच्छे से अटैच हो गए थे। बहुत अच्छा लगता था इन लोगों से बात करना मिलना, बहुत ही अच्छा। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम लोग नई जगह गए हैं या नए स्कूल में अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। काफ़ी मज़ा आता था एंड देखिए यहाँ पे कितने मज़े से बच्चे इन्जॉय करते हैं। सो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ इन्जॉय दिस वीडियो एंड दिस वॉज द कम्प्लीट वीडियो जो कि ट्रेनिंग या टैग्ड स्कूल मुझे मिला था उसके साथ का ड्यूरेशन का है। सो दिस इज़ द होल वीडियो। सो आई होप आप लोग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सी मोर सच वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट कि वो लोग भी मेरा वीडियोज़ देख पाएँ। सो यार थैंक यू सो मच। मेरे पास भी तो मेमोरी रहना चाहिए है ना कि मैं आई थी इस क्लास में कि नहीं। अब कोई गाना सुना दो, एक लास्ट में एंडिंग कर दो। कौन सुनाएगा? आ जाओ रिया काजल दोनों आ जाओ। दोनों? हाँ ठीक है आ जाओ। तो ठीक है गाओ कैसे भी गाओ। नारों को आज धो
टाइम होने वाला है, एक और गा दो कोई। शेरो शायरी सुना दो नीतीश, चलो पोयम पोयम पोयम। आ जाओ कर। फूलों में सुगंध है तो बागों में आनंद है, फूलों में सुगंध है तो बागों में आनंद है, हाथों में दम है तो ताली की। Yeah.